अम्मी मेरा जीना तो हराम कर रखा है अम्मी, मर जाऊं क्या मैं जहर खा के? बेटा तुझे बस शेख से मतलब है, तू उसे मरने दे। क्या मरने दे? हाँ देख ले, देख ले क्या खप्पर भर रही है, कैसे अपनी माँ को सिखा रही है एक ही चार चार लगा के। क्या? ना ना मेरी बच्ची, हिम्मत से काम लिया करे, हिम्मत से। हिम्मत तो अम्मी खत्म हो ली, अब तो बस तेरा ही सहारा मुझे। बेटी मेरा सहारा तो अल्लाह ने छीन लिया, मैं ही तुम्हारे सहारे हूँ, बस एक बार सन्नो का रिश्ता हो जाए फिर मैं फ्री फ्री हूँ। अम्मी पहले सन्नो की सोच ले, मेरी नहीं सुन रही तू, मैं क्या करूँ? चुप हो जा बेटी, तू रोवे मत। क्या अम्मी नुकसानाबाजी रो रही है? हाँ बेटा, उसकी सास उस पे बड़े जुलम कर रही है। अम्मी तुम रुखसानाबाजी को यहीं बुला लो। बुला क्या लूं बेटी, मुझे वहीं जाना पड़ेगा। मेरी सुनी नहीं रही हो, बताओ क्या करूं? क्या बताऊं मेरी बच्ची, और वो शेख चिल्ली कहाँ मरे है, क्या कह रहे वो कुछ बोले है या ना बोले? उसकी मत पूछो, अगर वो काम का होता तो मेरा दुखी खत्म ना हो जाता। अब की तू मेरी बात सुन, एक काम कर, तू बिल्कुल चुप हो जा, और फिर भी लड़े ना तो तू बस मुझे फोन कर दियो। अम्मी मैं तो फोन भी छुप के करती हूँ, दोनों माँ बेटा मेरे पीछे पड़े रहते हैं साई की तरह। अम्मी मुझे बचा लो अम्मी। देख ले क्या खप्पर भर रही है, कैसे अपनी माँ को सिखा रही है एक ही चार चार लगा के। हेलो हेलो, हाँ तू ऐसा कर, शेख चिल्ली को तू अपने प्यार में फंसा ले, उसे मरने दे हरामजादी को, मेरी सुसरी को। अम्मी प्यार की तो चिड़िया भी नहीं है इस घर में। अब तू भी ऐसा कर, तू भी बिल्कुल शैतानी पे आ जा, दिखा दे तू भी कि मैं कितनी बिगड़ी हुई मैतारी की बेटी हूँ। वो कैसे? अम्मी मैं समझ नहीं पाई। हेलो हेलो, ला अम्मी तू मेरी बात करा। हेलो, हाँ माँ जी। सन्नो ये अम्मी क्या कह रही है? अम्मी सही बोल रही है, सीधी कर दे सबको, जो होगा देखा जाएगा। बाजी जब सीधी उंगली से घी ना निकले ना तो उसे तिरछी कर लेनी चाहिए। वो कैसे? जैसे अम्मी करती थी दादी के साथ, तुझे याद नहीं है? हाँ सन्नो ये तरकीब सही बताई है तूने। ले अम्मी से बात कर। अब मैं ऐसी करूंगी, तूने सही बताया। हाँ यू क्या बता रही तुझे, कुछ सबक लिया ना लिया तूने इससे? सन्नो ने जो बतलाया बस वो ही करूंगी अम्मी। अगर वो फिर भी ना माने तो मैं हूँ, अगर उसे छठी का दूध याद ना दिला दिया तो मैं भी नसीबन बरेली वाली नहीं। अब की बार वो कुछ करे तो तू यहाँ आ जाइये, और नहीं मुझे वहाँ बुला लिए। चलो ठीक है अम्मी, रखती हूँ फोन। हाँ ठीक है, रख दे रख दे। अम्मी मैंने सही नहीं दिलाई याद दादी वाली बात। तुझे ऐसी बात तो बहुत याद रहे, वैसे तुझे ये भी याद न रहता मैंने दुकान पे से कौन सी दाल मंगवाई है। जा अंदर जाके कुछ बना ले खाने को, खून पी रखा है मेरा, झोटी हो रही है खा खा के, काम की न काज की दुश्मन अनाज की। देख ले अब तू, देख लिया ना अपनी आँखों से चरित्र। ए, सिखा दी अपनी अम्मी, कत्ल करवा दे हमारा, फांसी पे लटकवा दे हमें। हैं तेरी अम्मी दरोगा है ना? क्या सिखा दी, अपनी अम्मी से बात ना करूं, अम्मी है वो मेरी अम्मी। हाँ हाँ अम्मी से बात कर, हमने सब सुन ली, तू फोन बात कर रही। एक काम कर, रोटी पका ले और सालन अच्छा सा पकाइयो, अच्छा ना पका तो तू ही जानेगी फिर। सालन भी ना पकाना आता, कभी नमक कर दे तेज, कभी मिर्च कर दे तेज, कुछ सिखाया तेरी मतारी ने? अम्मी है मेरी अम्मी। अब हमारा मुंह देखती रहेगी खड़ी खड़ी, अब हमारी छाती पे खड़ी रहेगी, अंदर जाकर बना ले वरना क्या कर लेगी? देख ले कितनी जबान चला रही है, एक भी बोल नहीं गिरन दे रही। मतारे ने यही सिखाया अपने आदमी का सामना करना, और एक बात सुन ले, खाना अच्छा पका लियो। जैसा पकेगा ऐसा पकाऊंगी, खाना हो तो खा लियो ना तो मत खाइयो। उबे हमारी अम्मी के सामने जुबान लड़ा रही है, अम्मी के सामने बोल रही है कमबख्त। मैं हमारी अम्मी के सामने तो आज तक हमारा अब्बू नहीं बोला था, है कभी अब्बू ने जुबान नहीं निकाली? वो ही तो,
जबान तो अब निकालनी पड़ेगी। क्या भाई, इसका मतलब तू हमें मारेगी, बिन बात में धमकाएगी, दबा कर रखेगी अपने आदमी को, हैं? अम्मी का पैतरा सारा लेगी तू? तो क्या तुम्हारी अम्मी अब्बू को मारती थी? अगर मारती थी तो तुम भी समझ लो। देख ले, देख ले, जब बेटा तेरे आगे ऐसी तर तर जबान चला रही है तो पीछे मेरा क्या हाल करती होगी ये? हाँ सही बोल रही है अम्मी। सही बोल रही है अम्मी, मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है, समझी? समझ ली, अब तो समझ, अपने घर जा, हमें ना है तेरी जरूरत, मेरा बेटा है, मेरी मानेगा, समझ गई तू? सुन लो, तुम्हारी मतारी सही बोल रही है, ये सही बोल रही है क्या? भाई एक बात सुन ले, मेरी अम्मी की चलती है घर में, जैसे मेरी अम्मी कहेगी वैसे होएगा। अभी ले, अभी फोन मिला रही हूँ, रुक अभी। मिला, मिला फोन। है, रुखसाना का फोन आ रहा है। हाँ बेटा। अगर मैंने तुम्हारी खाट अभी ना खड़ी करवाई, जा मुझे इस घर में आग लगानी पड़े अभी। क्या? तो तू हमारे घर में आग लगाएगी? हाँ हाँ लगाऊंगी, और तेर में भी लगाऊंगी। है? अरे? है? हेलो? तुम सब में आग लगाऊंगी। अच्छा, हमारे घर में आग लगाएगी? मार, 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 ठीक कर रहा है बेटा, तो ठीक कर रहा है, उस हराम जादे को लाऊं बुला के, उसी ने निकाह करवाया था हराम जादे ने। जान दे मार दूंगा, अच्छा अच्छा, रो रही है, रोग दिखा रही है, रोग दिखा रही साली, रोग दिखा रही, जान दे मार दूंगा साली, साली कहीं की नहीं छोड़ू, कहीं की भी नहीं छोड़ूंगा। हेलो अम्मी। हाँ रुखसाना, मैंने सब सुन लिया है, तू घबरावे मत मेरी बच्ची, मेरी लाडो। क्या तू रो रही है? रो रही है? अम्मी लाओ मुझे फोन दो। हेलो बाजी, मैंने बताया नहीं था बाजी, बस भूल गई? नहीं भूली। हाँ ठीक है सन्नो। अच्छा बेटा, प्यार तो तेरी माँ ने और तूने सब निकाल लिया मेरा, गुस्से में कर रही हूँ, गुस्से में कर रही है। अगर तू ये पूछ रही है ना, तो साली बात सुन, अपनी अम्मी की मानूंगा अपनी अम्मी की, और तू सोच रही दबा कर रखूंगी साली। एक बार तू मेरे ऊपर से उतर जा, तो मैंने भी तेरा हिरना बनाया, तो मेरा नाम शेख जी नहीं है, अम्मी से ज्यादा प्यार नहीं करूँ तुझे। क्या उठ जाओ? अच्छा तो पागल मान रहा मुझे, ताकि मैं उठ जाऊँ तू मुझे लपेट दे? मैं उठने वाली नहीं हूँ जब तक वो नहीं आएंगे, तुम लोगों ने बहुत मारा मुझे। तूने किस जन्म की दुश्मनी निकाली, ऐसा रिश्ता करवाया है? रुक जाना, मान जा, मैं लोग क्या कहेंगे तुझे, तुम ऐसा करेंगे, लोग तुझे उंगली उठाएंगे। उठाने दो, उंगली उठा या अंगूठा, मैं उठने वाली नहीं हूँ, आज जान से मार ही दूंगी।
शरीफ भाई अपने आंखों से देख ले ये क्या हो रहा। शरीफ भाई बचा, बचा बचा मेरे लौंडे को। तो जीव निकलेगी और अम्मी भी आ रही है। भाग ले रुखसाना बेटा, आज खैर नहीं। अम्मी बचा ले। हैला ये क्या हो रहा? आय मरिया। अरे अरे हराम जादे, तुझे शर्म ना आई है? बहू पे पिट गया, जमीला का नाम मिट्टी में मिला दिया। अब अपनी बंद करेगी या मेरी भी सुनेगी? मेरी बात सुन। बोल बोल क्या अम्मी, लड़ाई तो चल रही है। मैं चार बार बैठा था, तू चली गई शरीफ भाई को बुलाना। जैसे मैं बैठा एकदम झपट के बिल्ली की तरह और मुझे मुर्गा सा दबा के और चार बार पलट दी, ऊपर बैठ गई और मेरी जीभ निकाल दी और मुझे मारा भी। अच्छा देखो शरीफ भाई, अब बात हो गई हद से पार। जिस औरत ने अपने आदमी के ऊपर हाथ उठा दिया उसके लिए लाज क्या और शर्म क्या, वो हो गया बिल्कुल बेशर्म। सही कह रही तुम जमीला भाभी, ये तो पूरी नंगाई पा गई। अच्छा देख अब मेरी सुन, तू तो जा काम पे और मैं इसका राह बांधती हूँ। इसका राह बांध दे, राह बांध दे इसका साली का। जो मैं राह बांधूंगी तुझे मंजूर है? मुझे मंजूर है। ठीक है तो अब तू जा काम पे, आने दे हरामजादी को, आएगी तो घर पे ही। मगर अम्मी एक बात सुन ले। क्या? तुम बच के रही हो, तूने तो मुझे बचा लिया, मगर तुझे कौन बचाएगा? ठीक है मैं सब देख लूंगी। देख लिए शरीफ भाई उसके लक्षण? हाँ जमीला भाभी मैंने देख लिया, अब मैं चलता हूँ। वहाँ निकल ले, चलता हूँ भाई। हाँ आया काय को एक्सरसाइज करवाना आया, चलता हूँ। हैं भाई जब कुछ बात ना किस्सा, इसे काय को लाई? हाँ इस आराम जाने ने इतनी बदवाई हमारे घर में, इसने ही नाश करा हमारे घर का जान बूझ के। अब चल दिया जमीला भाई, मैं चल के देखता हूँ। देखेगा क्या अपने एक्सरसाइज? देखेगा जी तो ऐसा कर रहा, इसी का लित्तर बजाऊं। हाँ जो तो पिटवा दिया, भीतर ले जाएगी। अम्मी फोन मिलाती हूँ अम्मी को, अगर इनकी खाट खड़ी मैंने ना करवा दी तो मेरा नाम भी रुखसाना नहीं। जा तो रही है घंटी। हेलो अम्मी मेरी सुनो। हाँ बेटा तू बोल बेटा, मैं सुन रही हूँ तेरी बात। अम्मी मेरी जान खतरे में, मुझे मार रहे हैं ये। क्या? हाँ अम्मी मैं तो जंगल में भागी आई हूँ, लेकिन अब क्या करूँ? तूने कुछ कर दिया क्या मेरी बच्ची? अम्मी मुझे जो सन्नो ने बताया वो ही कर दिया, मुझसे तो गलती हो गई। सन्नो ने बताया? सन्नो ने क्या बता दिया तुझे? यही कि जो अम्मी अब्बू के साथ करती थी तू भी वही कर दे, और मैंने कर दिया। क्या तूने खाट वाला सीन तो नहीं कर दिया? सन्नो ने तुझे वही बताया होगा? हाँ अम्मी वही कर दिया। अरे वाह मेरी बेटी, मेरी शेरनी, इसे कहते हैं माँ की सीख। जो मैंने सिखाया बिल्कुल वही किया, अब इनकी अकल बिल्कुल ठिकाने आ जाएगी। अब क्या करूँ, घर कैसे जाऊँ मैं? मुझे तो मार डालेंगे। तू घर मत जाइयो, मैं आ रही हूँ। अगर चली भी जाए ना तो चुप रहियो, कुछ मत बोलियो। ठीक है अम्मी आ जाओ, रखती हूँ फोन। ठीक रख दे, चल सन्नो। अम्मी कपड़े बदल लूं? हराम जादी तेरा रिश्ता लेकर न जा रही हूँ वहाँ पे। चले सही, जा मेरी चप्पल लिया वहाँ से। ये मुझे दुखी करके रखे बालक। अरे लिया अम्मी ये वाली चप्पल पहन, चलो। और रात में जा रही हूँ मैं, जो तेरी चप्पल पहन के जाऊँ। लोंडिया बना दे मुझे, चल। ये बकरी भी पैपे ही करती रहे। अबे अगर अम्मी से लिपट गई रुखसाना तो अम्मी कौन छुड़ाएगा? मेरी अम्मी को मार लेगी। बोला जी क्या सोच रहे हो, काम चालू करो। भाईजान मैं सोच रहा हूँ काम चालू करूँ या अम्मी को बचाऊँ। क्या मतलब? हाँ भाई मतलब ये कि मेरे घर में शेरनी है, मैं तो बचाया उसके पंजे से। अब मुझे डर ये है कि अम्मी अकेली है घर में। ओ भाई पहले अम्मी को बचा ले, काम कर लियो बाद में। हाँ भाई मेरी समझ में यही आया, हर काम में तो लगो आग। मैं तो पहले अम्मी को बचाऊंगा, अम्मी है। क्या ये क्या मतलब? मेरा मतलब ये है काम तो मुझे बाद में ही मिल जाएगा, काम तो फिर भी कर लूंगा, पहले अम्मी अम्मी को बचाऊंगा। जा तू जा, पहले अपनी अम्मी को बचा फिर कर लूंगा काम तो आगे। हाँ जा हो जाएगा सब। इन लोगों का काम करने को मन करता ही नहीं,
इन्हें हराम की चाहिए हराम की। और कुछ ना तो अम्मी का ही बहाना बनने लगा। मेरी लाड़ो परेशान कर रखी है रामजादों ने। आज इस हरामजादी की शक्ल को न फोड़ा ना मैंने तो मेरा नाम भी नसीबन बरेली वाली नहीं। अम्मी कोई बात हल्की नहीं पड़नी चाहिए वरना सोचेगी डर के चली गई। हल्की तू बस चुप रहिए और देख आज अगर मैंने उसे फाड़ के ना सुखा दिया ना तो मेरा नाम भी नसीबन बरेली वाली नहीं। अम्मी तुम चुप रहना मैं बोलूँगी। तू चुप रहिए अपने मुँह को बंद रखिए नहीं तो यूँ कहेंगी बड़ी तो बड़ी छोटी उससे भी ज्यादा बदतमीज है। ठीक है अम्मी। हाँ चल चलो मुँह को बंद रखिए अपने। तू मैं भी अपने कपड़े पैक कर लेती हूँ इतना अम्मी आएंगी इनसे बोलूँगी नहीं कुछ भी। इंगे कोई देख रही है जैसा खाएगी मुझे। जा जा चली जा हमें ना है तेरी जरूरत। तू तो सोच रही होगी कि रोटी बनाऊंगी जब ही जाएगा काम पे। वो तो चला भी गया काम पे। भोगती रहे कितनी भोग ले मैं भी सुनने वाली नहीं हूँ तेरी। तेरी अकल ठिकाने करके जाऊंगी आ जान दे मेरी अम्मी को। मैंने तो दे दी अपने को पका कर रोटी हमें ना तेरी रोटी इनकी जरूरत। मेरा बेटा तो गया काम पे और असल माँ बाप की है ना तो आम मत जाइयो। जो म्हारी बात मानना है तो आइयो वरना वहीं रहियो। भोगना बंद नहीं कर रही अभी आज इसका रोज रोज का कलेश मिटाई दूंगी। तू अपने मुंह को बंद रखिए कभी बुढ़िया तेरे मुंह को फोड़ दे। तुम्हें काहे के लिए ले जा रही हूँ। फिर मिलेंगे। भाई भाईजान अगर फिल्म अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे लाइक कर दे कमेंट कर दे। यदि दोस्तों हमारी मूवी में आपको कोई भी कमी नजर आए तो हमें कमेंट जरूर करके बताएं ताकि हम उस कमी को पूरा करें। बाकी दोस्तों इस वीडियो में हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है मेरी आंखें सच में बहुत दर्द करने लग गई है लगा लगा के तो प्लीज इस वीडियो को पूरा सपोर्ट करना। और मैं पिट पिट के बहुत परेशान हो गई हूँ सपोर्ट करना और जमीला के नापुर वाली को तो आप जानते ही हो। प्लीज 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 दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर। और मेरी तो मोटरसाइकिल का तेल खत्म हो गया जरूर सब्सक्राइब करना जरूर। और हमारे आरतीप जी बहुत मेहनत कर रहे हैं गाइस एक बार इधर भी आए। चलो आरतीप को बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है।